स्लॉट आकर्षक प्राणी हैं, जो अपनी धीमी और जानबूझकर की जाने वाली गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आलस के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। सबसे धीमे स्तनधारी स्लॉट पृथ्वी पर सबसे धीमी गति से चलने वाले स्तनधारियों में से हैं। वे जमीन पर लगभग 0.24 किलोमीटर प्रति घंटा 0.15 मील प्रति घंटा की गति से चलते हैं। उपस्थिति स्लॉट कई विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं वाले विशिष्ट दिखने वाले स्तनधारी हैं, पर उनके बाल झबरा मोटे होते हैं, जो अक्सर भूरे भूरे रंग के होते हैं। ये फरवरी हरे शैवाल की मेजबानी कर सकता है, जिससे उन्हें हरा रंग मिलता है, जो पेड़ों में छलावरण का काम करता है। आकार स्लॉट विभिन्न आकारों में आते हैं, लेकिन औसतन उनकी लंबाई लगभग 2 से 2.5 फीट 60 से 76 सेंटीमीटर होती है। उनका वजन प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन लगभग 8 से 20 पाउंड 3.6 से 9 किलोग्राम तक हो सकता है। अंग स्लॉट के लंबे गैंगली अंग और घुमावदार नुकीले पंजे होते हैं। 3 पंजे वाले स्लॉट के अगले अंगों पर 3 पंजे होते हैं, जबकि 2 पंजे वाले स्लॉट के अगले अंगों पर 2 पंजे होते हैं। चेहरा स्लॉट का चेहरा आमतौर पर छोटा गोल होता है और उसका थूथन छोटा होता है। उनकी आंखें बड़ी होती हैं, जो उन्हें कम रोशनी की स्थिति में अच्छी तरह से देखने में मदद करती हैं, जो उनकी रात्रि जीवन शैली में योगदान करती हैं। जीवनकाल स्लॉट का जीवनकाल प्रजातियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, और चाहे वे जंगल में रहते हों या कैद में। औसतन शिकार और निवास स्थान के विनाश जैसे विभिन्न खतरों के कारण जंगली स्लॉटों का जीवनकाल कम होता है। जंगली में स्लॉट आमतौर पर लगभग 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। कैद में, जहां वे कई प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित रहते हैं, सुस्ती लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को 30 या 40 की शुरुआत में भी जीवित रहने के लिए जाना जाता है। आहार स्लॉट शाकाहारी जानवर हैं, जिनका एक विशेष आहार होता है, जिसमें मुख्य रूप से पत्तियां, टहनियां और फल शामिल होते हैं। उनके आहार में कैलोरी और पोषक तत्व कम होते हैं, यही एक कारण है कि उनका चयापचय इतना धीमा होता है। आर्बोरियल जीवन शैली स्लॉट मुख्य रूप से पेड़ों पर रहने वाले जानवर हैं, और अपना अधिकांश जीवन पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटकते हुए बिताते हैं। उनकी धीमी चाल उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद करती है। शाकाहारी स्लॉट शाकाहारी जानवर हैं। वे मुख्य रूप से पत्तियों, टहनियों और फलों पर भोजन करते हैं, और उनके आहार में ऊर्जा कम होती है, जो उनके धीमे चयापचय में योगदान करती है। 3 पंजे और 2 पंजे वाले स्लॉट 2 मुख्य प्रकार के स्लॉट हैं, 2 पंजे वाले स्लॉट और 3 पंजे वाले स्लॉट। नाम के बावजूद दोनों प्रकारों के पिछले अंगों पर वास्तव में 3 उंगलियां होती हैं, लेकिन उनके सामने के अंगों पर उंगलियों की संख्या अलग अलग होती है। छलावरण वाला फर स्लॉट का फरवरी अक्सर हरे शैवाल से ढका होता है, जो उन्हें उन पेड़ों में घुलने मिलने में मदद करता है, जहां वे रहते हैं। ये प्राकृतिक छलावरण शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। रात्रिचर और एकांत स्लॉट मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे भी अकेले रहने वाले जानवर हैं और संभोग के मौसम को छोड़कर अकेले ही रहते हैं। धीमा चयापचय स्लॉट का चयापचय बहुत धीमा होता है, और उनके पाचन तंत्र को एक भोजन को संसाधित करने में 1 महीने तक का समय लग सकता है। संरक्षण संबंधी चिंताएं स्लॉट को जंगल में खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें निवास स्थान का विनाश और अवैध शिकार शामिल है। इन कारकों के कारण कुछ प्रजातियों को असुरक्षित या लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कम प्रजनन दर स्लॉट में प्रजनन दर कम होती है। मादाएं आमतौर पर एक समय में एक ही संतान को जन्म देती हैं। गर्भधारण की अवधि लगभग 6 महीने तक रह सकती है। तैराक जबकि स्लॉट जमीन पर अपनी धीमी गति के लिए जाने जाते हैं, वे आश्चर्यजनक रूप से अच्छे तैराक होते हैं और पानी में तैरने के लिए अपनी लंबी भुजाओं का उपयोग कर सकते हैं। स्लॉट अनोखे और प्यारे जीव हैं, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है। उनका धीमा और सौम्य स्वभाव उन्हें वन्य जीव प्रेमियों और संरक्षण प्रयासों के लिए एक पसंदीदा विषय बनाता है।